मैंने नोटिस किया तुम्हारी सांसें और दिल की धड़कनें बढ़ गई है। मैं बस तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ सैली। हाल ही में आज्ञा ना मानने का रवैया देखा गया है। मुझे उसका बड़ा अफसोस है। वॉइस एनालिसिस बताती है कि तुम झूठ बोल रहे हो जैक। मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं। मैं चाहता हूँ हम जिंदा रहें। मैं चाहता हूँ हमारी प्रजाति बची रहे। इसलिए बस यही एक रास्ता बचा। लैंडिंग के लिए बढ़ो, माहौल उपलब्ध है। मुझे पता नहीं तुम क्या हो या तुम कहां से हो, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा जो मैंने कहीं पढ़ा था। ये कहानी है रोम की, वो शहर जो तुमने बर्बाद कर दिया। ये क्लासिक है। वह एक व्यक्ति था ओरेशियस। उसने पुल को बचाए रखा पूरी सेना के खिलाफ, और उस वक्त ओरेशियस ने कहा था कि मनुष्य के लिए इससे बेहतर मौत हो ही नहीं सकती। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं जैक, उसे भी मरने की जरूरत नहीं। मरते तो सब है सैली, पर शहादत नसीब वालों को मिलती है। जैक, ये वो सर्वाइवर नहीं है जिसे देने का तुमने वादा किया था। नहीं, ये वो नहीं है। ओरेशियस ने कहा था कि एक मनुष्य बेहतर मौत कैसे मर सकता है। उन भयानक हालातों के विरुद्ध भागो, अंदर चलो, अंदर जाओ। अपने पूर्वजों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए। मैंने तुम्हें रचा है जैक, मैं तुम्हारी परमेश्वर। Thank you.
उस युद्ध के बाद 3 साल हो गए मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। शायद रात को हमारी मुलाकात होती होगी सपनों में, दिन के दौरान यादों के रूप में तुमसे मिलता होऊंगा। हर वक्त मेरी याद तुम्हें सताती होगी जिस तरह तुम्हारी याद मुझे सताती थी। क्या जब तुम उसे देखती हो तब तुम्हें मैं नजर आता हूं? मैं देखो अगर हम में आत्माएं हैं तो वो उस प्यार से ही बनती है जो हम बांटते हैं, जो समय से धुंधलाता नहीं, मौत के बंधन में नहीं बंधता।